see this الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يفقه قَوْلِي آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ما الله تبارك وتعالى کی حمد و سے कि हर तरह की बड़ाई और किबरियाई ला शरीक के लायक ज़ेबा है इसके कब्जे कुदरत में इस कायनातों का जर्रा जर्रा है गर्ज़ उसी के हुक्म से बदलते हैं ये मौसम उसी के हुक्म से बरसते हैं ये बादल الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اسم مختصر الله كي كباد بعد بيشمار درود سلام. جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد سكاد بايش مار رحمتي ورب ركته الله عليه وسلم يا أصحاب بزر قدوسته عزيز ساتير بعضنا نشین بينه आज के इस खुतब जुमा में जो जोवान हमने मनतखब किया है वो है वहवान हैंशर में ख़वान का किरदार दर हकीक़त जो हालात और जो माहौल हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि सारी दुनिया का चल रहा है ये बात हर आलिम आलम जाहिल को हर छोटे बड़े को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि उम्म मुस्लिमा जिस वक्त जिन हालात से दो चार है वह उम्म मुस्लिमा के लिए बेहतर नहीं हकीकत आज का जो इनवान हमने मुंतखब किया है कि खुवात का किरदार असला माशरा में ज़रूरत यूँ पड़ी उनवान की कि जुमा के खुदबात हो या कोई बड़ा जलसा हो या फिर कोई और मजलिस हो बड़े जलसे हो जुमे के खुदबात हो या कोई और हफ्तावारी दर्स हो ज़्यादा मजलिसों में सिर्फ मर्द हजरात का अहमाम किया जाता है औरतों के लिए इंतज़ाम नहीं किया जाता देख लीजिएगा शहर की बेशुमार मसाजिद है जिनमें खुतबा जुमा सुनने के लिए सव् नहीं हज़ारों की तैदाद में मर्द जमा होते हैं लेकिन वही मर्द की बीवियां वही मर्दों की माए वही मर्दों की बहने अपने घरों में होती हैं उन्हें इस्लामी तालीमात की तालीम देने वाला कोई नहीं है दर हकीकत मैं आपको ये बात वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूं कि जितना किरदार हम मर्दों का इस उम्मत को बनाने में लगा है या लगना चाहिए जितनी कुत मर्द हजरात की इस माशरे को बनाने के लिए लगनी है बराबर की उतनी ही ताकत और कवत खवातीन की भी लगनी जरूरी है छोटी सी मिसाल दूं तो बात पता चलेगी तादाद के हिसाब से अगर आप देखेंगे तादाद के हिसाब से जितने खवा, मर्द है जितने मर्द जितने शादीशुदा मर्द है उनकी उतनी बीवियां हैं जितने बाप है उनकी कई कई बेटियां हैं जितने भाई हैं उनके कई कई बहनें हैं जितने बेटे हैं उनकी अपनी अपनी माए हैं तादाद के हिसाब से देखा जाएगा तो मैं आपको बताऊं एक स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जो बताती है हमें कि इस दुनिया के अंदर अक्सर मुमालिक के अंदर औरतों की तदाद ज्यादा है बनिस्बत मर्दों के और सुरे निशा की वायत जिसमें चार शादियों का हुक्म दिया गया है ये रोजे रोशन की तरह आया है कि अगर एक मर्द चार शादी करेगा तो औरतें ज्यादा होनी चाहिए सरजमीन पर लाजमी बात है तो बताना यह चाह रहा था कि इस सरजमीन पर तादाद के हिसाब से अगर बराबर बराबर भी मान लिया जाए कि जितने मर्द हैं औरतें भी उतनी बराबर की है तो मतलब यह हुआ जितना किरदार आदमियों का होता है जितना किरदार मर्द हजरात का होता है माशरे को बनाने के लिए बराबर उतना ही किरदार औरतों का भी होना चाहिए आइए असल उनवान पे आने से पहले चंद तमहीदी कलिमात जिससे उनवान का बखूबी अंदाजा हो जाए आप लोगों को सुनाना चाहता हूं आइए वो वक्त की बात को भी याद करने की बड़ी ज़रूरत है कि मक्का के वो हालात जब जनाब मोहम्मद पर वही नाजिल नहीं की गई थी अभी इस्लाम के फराम नाजिल नहीं किए गए थे अभी शरीय मोहम्मदिया नाजिल नहीं की गई थी वो मक्का के माहौल अपनी तारीख में लिखते हैं साहब कराम हदीसा रावी करते हुए कहते हैं वो मक् का दौर ऐसे और वो जहालत का दौर था कि जिस दौर के अंदर यही खुतिन का पैदा होना समझा जाता था मक्के की दौर की बात कर रहा हूं इस्लाम अभी नहीं उतरा मोहम्मदिया वाला। कुरान नाजिल नहीं किया गया अभी ज़िब्राइल वही लेकर नहीं आए उन हालात की बात कर रहा हूं कि उस वक्त घर में लड़की का पैदा होना मायूब समझा जाता था मायू भी मायूब इतना मायूब कि अगर किसी के घर लड़की पैदा हो जाती वो शख्स जालिमाना रवैया करते हुए उस लड़की को ले जाता और जिंदा जमीन में दफन कर दिया करता ये औरत ये खवातीन ये सन्फ नाजुक का मामला इस्लाम से पहले था क्या मामला था कि लोग औरतों को बाजारों में नंगा खड़ा कर कर उन्हें बेच दिया करा किया करते थे उनका दाम लगाया करते थे क्या मामला था कि लोगों के जिस्म फरोशी का धंधा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था क्या मामला था औरतों को हकारत की नजर से देखा जाया करता था औरतों को ओ इस तरह से अपनी गुलामी के जंजीरों में जकड़वाया करते थे कि कहीं पर औरतों की तिजारत हो रही है कहीं पर औरतों को इतनी गुलामी में फंसा कर रखा गया है कि उनकी कोई कदरों कीमत नहीं और किसी घर में जब लड़की पैदा होती उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने इस्लाम ने जब इस्लाम ने अपने पैरों को गाड़ा इस सरजमीन पर इस्लाम की वही नाजिल हुई इस्लाम ने कहा देखो ये वो औरत है ये वो औरत है जिसकी बतन से तुम पैदा होते हो जिसकी कोख से तुम पैदा होते हो आओ इस्लाम 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 माँ को इस्लाम बहन को इस्लाम बीवी को इस्लाम औरत को वो दर्जा देता है कि अगर आज के बाद कोई अपनी माँ की नाफरमानी करेगा तो वो जहन्नम में चला जाएगा कोई शख्स अगर अपनी बीवी पर जुल्म करेगा तो खयामत के दिन उस जुल्म का बदला देना होगा कोई शख्स अगर अपने बेटियों की

स्टैंडिंग है अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए एक दफा वो औरतों के हकूक जो इस्लाम ने उन्हें दिए हैं वो एक दफा पढ़कर को देखो आ लोग आज कहते हैं माता कहो माता कहो जमीन को माता कहो झाड़ को माता कहो अलाने को माता कहो फलाने को माता कहो अल्लाह की कोई और मखलूक को माता कहो याद रखो इस्लाम वो मजहब है जो माँ को ऊंचा दर्जा दिया है हम मुसलमान हम मुसलमान एल फैल चीजों को माँ का दर्जा नहीं दे सकते हम मुसलमान जमीन को मां का दर्जा नहीं दे सकते हम मुसलमान कोई और मखलूक को मां का दर्जा नहीं दे सकते क्यों हम मुसलमान माओ की इतनी इज्जत करते हैं हम मुसलमान माओ का इतना एहतराम करते हैं इस्लाम ने हमें सिखाया e, मुसलमानों तुम्हारी माए तो वो माए हैं जिनके खदमों के नीचे जन्नत है <द्रणगाँ> इस्लाम ने हमें सिखाया हम धरती को मां नहीं कह सकते तुम धरती पर चलते हो धरती को मां कहते हो तुम धरती पर गुनाह करते हो धरती को मां कहते हो मां के ऊपर कोई गुनाह करेगा क्या मां के ऊपर कोई कदम रखेगा क्या मां के ऊपर कोई गलाजत करेगा क्या नहीं नहीं मेरे भाई हम ऐसी चीज को मां का दर्जा नहीं दे सकते जिसकी हम हरमत नहीं कर सकते ये तो बेहरमती हुई मां के ये तो बेहरमती हुई मां के नाम की हम माँ की बहुत इज्जत करते हैं माँ को तो हम सर पर बिठाते हैं भाई सर पर बिठाते हैं उनके हुक्मों को हमारे आँखों के पलकों पर रखते हैं हमारी माँओं के ख़दमों के नीचे जन्नत है या जमीन की क्या बात करते हो तुम इस्लाम ने यह दर्जा दिया है खुवान को अल्लाह अकबर क्या कहा अल्लाह के नबी ने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसोल्ला सलाह मजलिस में बैठे हैं अल्लाह के नबी ने कहा अगर किसी के घर में तीन लड़कियां पैदा हो जाए तीन लड़कियां पैदा हो जाए अगर वो शख्स वो तीन लड़कियों की अच्छी परवरिश करे उन्हें अच्छे अखलाक सिखाए उन्हें अच्छा नाम दे और जब वो बालिक हो जाए तो अच्छे घर आने में उनका निकाह कर दे अल्लाह के नबी ने कहा तीन लड़कियां, जिस घर में हो वो शख्स वो तीन लड़कियों की अच्छी परवरिश करे उनके अच्छे अखलाक़ सिखाए उनका अच्छा नाम रखे जब वो बालिग हो जाए तो अच्छे धराने में उनका निकाह कर दे अल्लाह के नबी कहते हैं ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल होगा अल्लाह साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी किसी के घर में दो नहीं है तीन नहीं है सिर्फ दो है तो अल्लाह के नबी ने कहा अगर दो लड़कियां हैं उसके साथ ऐसा मामला करेगा वो भी जन्नत में जाएगा अल्लाह अल्ला के फिर अल्लाह के नबी ने कहा साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी अगर दो नहीं सिर्फ एक लड़की है तो अल्लाह के नबी ने भी कहा तब भी अगर वो शख्स ऐसा मामला करेगा वो जन्नत में जाएगा जाइए मेटर्निटी हॉस्पिटल के अंदर थोड़ा सा मुशाह करिए अभी डिलीवरी होने वाली है खबर आई लड़की पैदा हुई सारे ससुराल वालों के मुंहूख गए अरे ऐसे क्या गम छा गया भाई ऐसा क्या मामला हो गया कि तुम लड़की के पैदा होने पर उदास हो गए मैं उन सासों से पूछना चाहता हूं तुम भी तो लड़की हो तुम भी तो औरत हो अगर तुम्हें पैदा होते ही गला घोट कर मार दिया जाता तो क्या तुम्हारे बेटे की बहू आती और लड़की को जनती अल्लाह के पार क्या तुम औरत नहीं क्या तुम्हारे घर में बेटियां नहीं है आज क्या मामला है यह जहालत की रस्म है जहालत की रस्म कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने तुम्हें बेटी अता की और तुम मायूसी का इजहार कर रहे हो अरे रब ने तुम्हारे घर में जन्नत का सर्टिफिकेट भेजा है अल्लाह अकबर अगर तुम उस बेटी की अच्छी परवरिश करोगे अच्छे अखलाक सिखाओगे उसका अच्छा नाम रखोगे उसका निकाह करोगे यही लड़की तुम्हारी जन्नत की ज़मीन बनेगी अल्लाह अकबर यह मकामबा दिया है इस्लाम ने औरतों को अल्लाह अकबर लोग आज कहते हैं इस्लाम पर उंगली उठाते हैं कि औरत के साथ यह जुल्म किया गया कि चार शादियां करने को कहा गया अगर तुम्हारी बहन है जो तलाकशुदा है अगर तुम्हारी बहन है तुम्हारी बेटी है वो तलाकशुदा है उसका खुला हो चला है अभी कोई ऐसा आदमी जो अनबिया है वो निकाह नहीं करेगा ऐसे लड़की से ऐसी औरत से किसको ढूंढोगे तुम शादीशुदा मर्द को ढूंढोगे ना अपनी बेटी अपनी बहन तलाकशुदा है उसका रिश्ता ढूंढ रहे हो कोई ऐसे मर्द से जो शादीशुदा हो तो भी चलेगा और तुम इस्लाम पर उंगली उठा रहे हो कि इस्लाम ने ज्यादा शादी की इजाजत देकर औरतों पर जुल्म किया है नहीं नहीं ये औरतों पर जुल्म नहीं है ये तो औरतों का सहारा है मेरे भाई ये तुम्हारी गलत फहमी है अगर अगर ये एक से ज्यादा शादी करना औरतों पर जुल्म होता तो नाउजिल्ला अल्लाह के नबी कभी ये जुल्म न करते ना अल्लाह जुल्म करने का अल्लाह के नबी को कभी हुक्म देता अगर किसी माँ बहन किसी भाई के जहन में ये गलत फहमी है कि एक से ज्यादा शादी करने से औरतों को जुल्म होता है तो अपने जहनों से ये बात को निकालने की जरूरत है ये अल्लाह के कानून की खिलाफ फर्जी है याद रख लो हाँ अल्लाह ने कहा एक बेहतर है तुम्हारे लिए एक बेहतर है अगर तुम इंसाफ ना करो लेकिन अल्लाह ने जो कानून नाजिल किया उसके ताल्लुक से दिल के अंदर दिमाग के अंदर गलत फहमी नहीं रह सकते आप आइए मैं आपको बता रहा था कि इस्लाम के आने से पहले इस्लाम के आने के बाद इस्लाम ने औरतों को को बहुत ऊंचा मकाम अता किया है यहां एक तरफ मां के खदमों के नीचे जन्नत का हुक्म दिया तो एक तरफ बेटियों की अच्छी परवरिश पर जन्नत की जमानत थी और एक तरफ कहा कि देखो तुम सारे ईमान वालों में तुम सारे ईमान वालों में सबसे अच्छा ईमान वाला वो है क्या कहा नबी ने अल्लाह अकबर तुम सारे ईमान वाले मर्दों में सबसे अच्छा ईमान वाला वो मर्द है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं दो कैटेगरी से एक ईमान वाला है फिर वो ईमान वालों में एक अलग कैटेगरी ऊंची कैटेगरी के ईमान वाले क्या सिफत है उनकी ईमान लाने के बाद भी उनके अखलाक अच्छे हैं माशाल्लाह। एक है ईमान लाना और एक है अल्लाह के नबी ने कहा वो ईमान वालों में सबसे अच्छे वो ईमान वाले हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं अब तीसरी कैटेगरी बताई गई बीवियों के ताल्लुक से और कहा एक तो ईमान वालों में अच्छे वो जो अखलाक अच्छे और वो अखलाक वालों में भी सबसे अच्छे वो है जो अपने बीवियों के साथ अच्छे हैं याद रख लो बीवियों के साथ हमारे सबसे अच्छे अखलाक के हकदार अगर कोई है तो हमारे घर वाले हैं याद रख लीजिएगा ये इस्लाम में इज्जत बख्शी है औरतों को ये इस्लाम ने ऊंची इज्जत अता की है खी इस्लाम को आइए यही खुवा के ताल्लुक से चंद एक अहम बातें बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ये हमारी खवतान जो हमारी माएँ हमारी बहनें हमारी बीवियां और हमारी घर की खातान हमारे रिश्तेदार खुवात ये खातिन इस्लाम के अंदर हमारे माशरे को अच्छा बनाने के अंदर कैसा किरदार अदा कर सकती है चंद एक अहम नुकात है जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा उम्मीद करता हूं कि इन इसको आप याद रखकर घर में खुवान को सुनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि बड़ा अजीब मामला है भाई हमारे पास अगर आप शॉपिंग को ले जाना चाहते हैं बीवी -बी को ले जा सकते हैं अगर आप कोई वलीमे में दावत में ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं आपके ऑफिस में पार्टी है वाइफ को आप ले जा सकते हैं अल्लाह अकबर मस्जिद को नहीं ला सकते आप मस्जिद को नहीं ला सकते कुछ बेवकूफ़ों ने फतवा दिया कि देखो औरतें मस्जिद में आएंगी तो फितना होगा मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं क्या तुमने ये फतवा भी दिया कि औरतें फंक्शन हॉल को आएंगी तो फितना होगा क्या तुमने ये भी फतवा दिया कि औरतें बाजारों को आएंगी तो फितना होगा नहीं नहीं दिया क्या तुमने ये भी फतवा दिया कभी कि खातिन दरगाहों पर आएंगी तो फितना होगा नहीं नहीं मस्जिद को आएगी तो फितना होगा अल्लाह यह बहुत बड़ी नाफरमानी है अल्लाह और उसके रसूल की अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम्हारी औरतें अगर तुम्हारी औरतें मस्जिद को आना चाहती है तो तुम उनकी अल्लाह की बंदियों को मस्जिद से आने से ना रोको वो आना चाहती हो तो लाओ मस्जिदों को क्या मस्जिद में क्या माहौल मिलेगा मस्जिद में क्या माहौल मिलेगा बाजार जैसा माहौल मिलेगा क्या लाड बाजार में जाकर हमारी माए बहनें चूड़ियाँ पहनती है गैर मर्दों के हाथों में देकर वो एबिट्स के शॉपिंग सेंटरों में जाकर गैर महरूमों के हाथ में हाथ देकर मेहंदी डलवाती है हाथों पे जब कोई एतराज़ नहीं होता एक पाक साफ जगह जो अल्लाह का घर है जहाँ अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं जहाँ पर सपरेट इंतज़ाम किया गया है कोई औरत मर्द को नहीं देख सकती कोई मर्द औरत को नहीं दिख सकता सपरेट इंतज़ाम है वो मस्जिद को लाने से लोगों को बड़ा गिला शिकवा है लाओ अपनी बीवियों को लाओ अपनी माओ बहनों को ये मस्जिदों के अंदर ये वो मस्जिदें हैं जहां पर फितने नहीं होते ये वो मस्जिदें हैं जहां पर रहमत नाजिल होती है ये वो मस्जिदें हैं जहां पर तुम अपनी घर की औरतों को लाओगे तो इन उनकी रूहें पाक होगी रूहें पाक होगी उनकी इसलाह होगी याद रख लो वो इसलाह करने के काबिल होगी गर्ज मैं आपको बताना चाहता था इंसान की जिंदगी दो तरह की जिंदगी होती है एक जिंदगी घर के बाहर की जिंदगी एक जिंदगी घर के अंदर की जिंदगी बात जब बाहर और अंदर की जिंदगी की आई तो एक अहम बात आपको मर्दों के ताल्लुक से टॉपिक खातन का है लेकिन बात बहुत अहम है मर्दों के ताल्लुक से खास एक इंसान की जिंदगी होती है घरेलू घर के चार दीवारी में माँ बहन बेटी बीवी बच्चे होते हैं अंदर माँ बाप होते हैं घर के बाहर निकलेगा तिजारत स्कूल ऑफिस बिजनेस दोस्त होते हैं वहां पर मस्जिद होती है बाहर एक जिंदगी घर के अंदर की एक जिंदगी घर के बाहर की साहबा कहते हैं और गवाही देते हैं सहाबा ही नहीं अल्लाह के नबी की बीवियां भी गवाही देती है साहबा भी गवाही देते हैं और कहते हैं हमने देखा जनाबे मोहम्मद किरदार जो, जो अखलाक जो बात करने का रहजा जो बात करने का रवैया जो उनका एटीट्यूड घर के बाहर होता वही घर के अंदर भी हुआ करता था अल्लाह अकबर आज पूरे मर्द कोरे हैं इस सिफत से सारे मर्द कोरे हैं घर के बाहर होता है बड़ा हशाशो बशाश होता है भाई गप्पेबाजी करता है हंसी तंजो मजाक करता है दोस्तों के साथ घर में आता है तो न जाने क्या होता है कभी बीवी को गाली दे दी कभी मां को झिड़की दे दी कभी कुछ कर दिया ये अल्लाह के नबी के अखलाक नहीं है ये अल्लाह के नबी का असमा नहीं है दोस्तों जैसे आप बाहर रह रहे हो अच्छी हालत में अच्छे अखलाक में वही अखलाक के हकदार आपके घर वाले भी है गज़ बता रहा था इंसान की ज़िंदगी दो तरह की होती है एक घरेलू जिंदगी होती है जो बाहर की जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ होती है और एक होती है बाहर की जिंदगी जो घरेलू ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ होती है इंसान घर में ट्रैक पॉइंट पर होता है लुंगी पहनकर होता है आम बनियान पर होता है लेकिन बाहर ऐसा नहीं जाता थोड़ा एहतियात कर कर जाता है संभल कर जाता है देखता है खराब तो नहीं लग रहा हूं अच्छा लग रहा हूं ना बाहर जा रहा हूं जिस तरह से बाहर जाने के लिए अच्छा हूं लग रहा अच्छा हूं नहीं अच्छा लग रहा हूं या खराब लग रहा हूं जांच रहे हैं ऐसे ही घर आने से पहले भी जांचना चाहिए कि अच्छा लग रहा हूं कि खराब लग रहा हूं वही फकी पुरानी सूरत लेकर घर में आ रहे हैं कहां पर तुम्हें तुम्हारे ऊपर मोहब्बत आएगी बीवी को तुम सारा गुस्सा आकर घर में निकालते हो कहां मोहब्बत बढ़ेगी तुम्हारे अंदर तुम्हारे घर के अंदर भी वही रवैया होना चाहिए जो बाहर होता है बाहर भी वही सिफात होनी चाहिए जो घर के अंदर होती है दो जिंदगी घर के बाहर की जो जिंदगी होती है वो सारी जिंदगी मर्द हैंडल करता है घर के बाहर की सौदा लाना है मस्जिद जाना bon, है कारोबार करना है तिजारत करना है बच्चों को स्कूल छोड़ना है ये घर के बाहर की जिंदगी घर के अंदर की जो जिंदगी होती है वो सारी औरतों पे डिपेंड होती है और मैं आपको बताऊं इंसान की जिंदगी को डिवाइड किया जाए तो बराबर इंसान आधी जिंदगी घर के बाहर रहता है आधी जिंदगी घर के अंदर रहता है फिफ्टी परसेंट फिफ्टी फिफ्टी परसेंट डिवाइड कर सकते हैं आप आधी जिंदगी घर के बाहर आधी जिंदगी आमतौर पर घर के अंदर होता है इंसान मतलब आधी जिंदगी पर औरतों का असर है हमारी जिंदगी पर आधी जिंदगी हमारी कोई पचास साल का है तो पच्चीस साल के जिंदगी पर असर है औरतों का खातन का हमारी जिंदगियों पर तो औरतों का बड़ा किरदार होना चाहिए इस लाशरा के अंदर आइए मैं आपको एक अहम बात बताते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं वो ये कि अगर कोई मां है ये मां जिसके नौनहाल बच्चे उसके गोद में खेलते हैं उसकी औलादे होती हैं यहां से किरदार शुरू होता है खवातीन का याद रख लीजिएगा यहां से खवातीन का किरदार शुरू होता है कि किस तरह से वो अपने मुआष को डेवलप करना चाहती है किस तरह से वो अपने मुआशरे को बनाना चाहती है अपने बच्चे को इमाम बुखारी जैसा बनाना चाहती है या कोई खान जैसा बनाना चाहती है अपने बच्चे को आलिम हाफिज बनाना चाहती है कोई और आलि कोई और काम काम वाला बनाना चाहती है अपने बच्चे के वो क्या बनाना चाहती है अगर वो बच्चे के बचपने में वो डिसाइड करती है तो इन शाह इनशा उसका बच्चा बड़ा होकर वही बनेगा जो उसकी दुआएं होंगी इनशाला यहाँ से खुवान का किरदार शुरू होता है माओ बहनों से मैं खास तौर पर तवज्जो की गुजारिश करता हूँ कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो बहुत अलग मिजाज के होते हैं वो बड़ों के मिजाज में नहीं मिलते वो बड़ों की बात को समझ नहीं सकते वो एक अलग मिजाज के होते हैं यहां माओ का इम्तिहान होता है यहां पर माओ के किरदार को बताने की जरूरत है यहां पर माओ के किरदार को समझाने की जरूरत है कि एक माँ अपने आप पे ये फखिर महसूस करना चाहिए कि हा हा मैं एक हाफिज की माँ बनना चाहती हूँ हा हा मैं माँ बनना चाहती हूं एक की हाँ मैं एक बनना चाहती शहीद की हाँ माँ बनना चाहती हूँ माँ बनना चाहती हूँ एक ऐसे नेक मुतकी इंसान की जो मेरा बेटा मुतकी बन जाए ये एक सिफत हमारी माँ के जहनों में होनी चाहिए वो सिफत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसोल्ला वसल्लम के ज़माने में उम्मे हारिसा उम्मे हारिसा रजी अन्हा मदीने की सरजमीन है मदीने की सरजमीन है एक लुता एक बेटा है औलादे तो सारी मोहब्बत वाली होती है औलादे तो सारी चाहती होती है लेकिन जहां पर एक बेटा होता है कोई औलाद नहीं होती एक औलाद है रजी अल्लाह की हरीदा बड़े लखते से बजे बड़े नाजो नखरों से पाला ऐसी परवरिश की कि सारे मदीने के अंदर ये माँ बेटे की मोहब्बत की मिसालें दी जाया करती थी अब बेटा जवान हो चला है अब बेटा बालिग हो चला है अब हड्डियों में दम आ चला है अब जमा मर्दी की ताकत आ चली है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसोल्ला सल्ह वसलम ऐलान करते हैं मोमिनो अमिनो असलमान अब यहाँ पर हमें जंग बदर के लिए जाना है जंग बदर होने वाली है मुश्रकों के खिलाफ हमें तलवारें उठाना है ये हारिस रजी अल्लाह तु अपनी माँ के गोद में सर रख कर लेते हैं और कहते हैं माई कैसी है वो अपनी माँ वो चहीती माँ अपने बेटे के गालों पर हाथ फेरती है और कहती है बेटे जब देखती हूं तो दिल में ठंडक पड़ती है ए बेटे अब मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं तेरा निकाह कर दूं मेरी ख्वाहिश है कि मैं तेरी शादी कर दूं तेरी औलादे हों वो औलादों के साथ मैं भी खेला करूं बस ये मेरी ख्वाहिश है हारिसा रजी अल्लाह कहते हैं माई शादी कर लूंगा निकाह भी कर लूंगा तेरी ख्वाहिश भी मुकम्मल कर लूंगा लेकिन अभी अभी मस्जिद नबी से आ रहा हूँ अल्लाह के नबी ने जिहाद का ऐलान किया है जंगे पदर पर जाना है माई अल्लाह के वो माँ कहती है बेटे हारिस बेटे हारिसा तेरे बगैर मेरी जिंदगी नहीं रह सकती तुझे देखे बगैर मेरे लुक में नहीं उतरते मैं तुझे तेरे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती कहते हैं हारिसा ऐ माँ ऐ माँ जाऊंगा मुशरिकों का काम तमा कर कर वापस आऊंगा फिर मुझे देखकर ठंडी सांस ले लेना माँ कहती है बेटा देख अल्लाह के नबी ये माँ अपने सीने पर पत्थर रखकर तुझे जिहाद के लिए भेजती है खुद अपने हाथों से कपड़े निकाले कपड़ों को साफ किया और कपड़े पहनाए तलवार लटकी थी निकाल कर गले में लटकाई और कहा बेटा डटकर मुकाबला करना बेटा अल्लाह के नबी का कभी मुखालिफत ना जाना अल्लाह के नबी को छोड़कर वापस ना आना चाहे जो हो जाए जा बेटा जिहाद के लिए हारिसा रजी अल्लाह तु सहाबा के साथ जाते हैं वो बदर के मुकाम पर पहुंचते हैं वो बदर के मुकाम पर रुके हैं बदर के मुकाम पर रुके हैं एक सहाबी एक सहाबी को उस कुए की निगरानी के लिए रखा गया और कहा यह पदर का कुआं है देखो यहाँ पर किसी मुश्रक को आने ना देना कोई आकर जहर मिला देगा हम इसका पानी पी लेंगे सबके सब नुकसान सब में हो जाएंगे वो साहबी तीर को लिए खड़े हैं तीर कमान में डाले खड़े हैं कोई मुश्किल हरिशा मुसलमानों के लश्कर में मौजूद है तैयारियां चल रही हैं जंग की सफेदी जा रही है अल्लाह रजियाल्लाह तला को प्यास लगती है प्यास लगती है आते हैं बदर के कुएं की तरफ और कुएं में से पानी निकालना चाहते हैं मालूम नहीं वो को क्या नजर आता है सोचते हैं कोई मुशर का आदमी है कोई मुशर के अंदर से आदमी आया है और मुशरकों के तरफ से आदमी आया है कुएं में जहर मिला रहा है तीर निकाला और टाक कर मारा हरिसा रजी अल्लाह तला के ले में यह तीर लगी खून का फवरा निकला शहरक कटी और वहीं पर आप कतल कर दिए गए वहीं पर जिसम पड़ा है ये यह साहब देखते हैं अल्लाह अल्लाह मेरे हाथों से ये क्या हो गया मैं तो मुश्किल समझ कर मारा था ये तो मुसलमान मर गया ये जंगे बदर का वाकया सुना रहा हूँ वो माँ का वाकया सुना रहा हूँ जो माँ ने आने वाली रहती दुनिया तक की सारी माँ के लिए मिसाल दी और बताया कि माँ होनी चाहिए तो ऐसी माँ होनी चाहिए माँ का किरदार होना चाहिए तो ऐसा किरदार होना चाहिए मां के अंदर सिफतें होनी चाहिए तो ऐसी सिफतें होनी चाहिए वो बदर के अंदर मुसलमानों को कामयाबी से हमकिन किया गया मुसलमान कामयाब हो गए अब मदीने की तरफ जा रहे हैं एक के बाद एक एक के बाद एक सहाबा काफिले की शक्ल में मदीने में दाखिल हो रहे हैं वो उम्मे हारिसा वो हारिसा की माँ जो अपने लिखते जिगर से बेहद मोहब्बत किया करती थी मदीने के बॉर्डर पर खड़ी है और तक रही है कि बेटा आएगा दिल से लगाऊंगी और दिल को चैन व सुकून मिलेगा देखती क्या है कि सारे लोग आ रहे हैं लेकिन मेरा बेटा हारिसा नज़र नहीं आ रहा बेचैन हुई और एक साहबी को पकड़कर पूछा अ वो शख्स बता तू हारिसा

उसे अल्लाह ने उसे अपने पास बुलवा लिया है वही सब दुनिया में नहीं रहा हारिसा की माँ ने सवाल किया मुझे मुझे गम नहीं मुझे गम नहीं कि वो कत्ल हुआ है मुझे गम नहीं कि वो इस दुनिया में नहीं है बता क्या उसने शहादत का रुतबा हासिल किया है कि नहीं वो साहबी ने कहा नहीं नहीं उसने शहादत का रुतबा हासिल नहीं किया वो तो मुसलमानों के हाथों से मारा गया है वो तो जंग शुरू होने से पहले मारा गया है भला वो शहीद कैसे हो सकता है आ ये कैसी माँ है इसका दिल बेचैन होता है वो दौड़ते दौड़ते अल्लाह के नबी के पास जाती है और कहती है अल्लाह

पर थिड़क कर नाचता है तुम्हें खुशी होती है तुम्हारे नौ निहाल बच्चे जो पांचवी छठवी जमात में है जो आठवीं नवी जमात में है तुम के स्कूलों में डालते हो कॉन्वेंट स्कूलों में डालते हो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में डालते हो वहां के 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 माहौल अंदर अंदर एनिमल डे तुम्हारे बेटे को थिड़क थिड़क कर नचवाया जाता है वहां पर गाने गवाया जाता है तुम्हारे बच्चे को न जाने क्या क्या बेहरमती की चीजें सिखाई जाती है तुम एनिमल डे में जाते हो तुम्हारे बच्चों का नाच देखते हो तुम्हारे बच्चों का गाना देखते हो और तुम खुश होते हो वो मां ने तुम्हें बताया अगर तुम्हें फकर करना है तो शहीद वाले बेटे पर फकर करो अगर तुम्हें फकर करना है तो दीनदार बेटे पर फकर करो तुम्हें अगर फकर करना है तो हाफिज और अल्लाह के फरमा बरदार बेटे पर फकर करो यह माँ ने तुम्हें दर्ज दिया है कि ऐसे बेटों को तुम अपनी कोकों से जनो के इस्लाम के लिए कुछ काम कर जाए इस्लाम के लिए अपनी जानों को कुरबान करने वाले बन जाए

के खिलाफ फतवा दिया हदीस के खिलाफ फतवा दिया लोगों ने कहा तुम्हारे बाप ये फतवा देते हैं उमर अब्दुल्ला है नबी ने फतवा नहीं दिया मेरे बाप की 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 बात बात पैर नोक पर पर अल्लाह के नबी मेरी सर आंखों परवरिश होनी चाहिए माँ बाप की माँ की गोद सबसे पहला मदरसा होता है मेरी माँ तुम्हारी परवरिश होती है तुम्हारे अल्फाज होते हैं ये बच्चों के मुंह में जाते हैं तुम्हारे अल्फाज सीख कर ये बच्चे बात करना हैं Wayra, तुम जैसी बात करोगे तुम्हारे बच्चे वैसी बात करने वाले बनेंगे तुम जैसे चाल चलन करोगे जिम्मेदारी है कि तुम इमाम बुखारी की वालदा ने कैसी परवरिश की थी कैसी परवरिश थी बाप ने जमा पूंजी की रकम रखी थी वो सारे के सारे लाखों रुपए करोड़ों रुपए उनके वालिद ने छोड़कर थे उनकी मां ने वो साले कर सारे के सारे करोड़ों रुपया उनकी तालीम पर खर्च करवाया जानते हैं इमाम बुखारी कौन इमाम बुखारी जिनकी जिनकी हदीसों के बारे में सारी उम्मत ए मुस्लिमा का सारे उम्मत ए मुस्लिमा के उलेमाओं का मुत्तफिक फैसला है कि अल्लाह की किताब के बाद अगर कोई सबसे ऑथेंटिक किताब सबसे सही किताब है तो वो इमाम बुखारी की किताब है अल्लाह अकबर क्या उम, इमाम बुखारी की वालदा थी बचपन में आंखें चिली गई अंधे हो गए दिखता नहीं है इमाम बुखारी की बात कर रहा हूं अगर आज की माए होती जितनी जमा पूंजी है बच्चे की सेहत पर खर्च करवा देती कहती जो भी हो जाए सारे पैसे चले जाए लेकिन बच्चे की आंखें वापस आ जाए भाई बच्चे की सेहत वापस आ जाए वो माँ ने तुम्हें किरदार अदा कर कर बताया रब की बारगाह में वह इमाम बुखारी की वालदा अपने हाथों को उठाती है और कहती है रबुलजाल या जुलजलाल रब जुल मेरा बेटा मेरा बेटा अपनी आँखों की रोशनी खो चुका है ए अल्लाह अल्लाह ए मेरे बेटे की आँखों की रोशनी को वापस कर दे मैं तेरी नबी के हदीसों की खिदमत के लिए मेरे बेटे को वक्फ कर दूंगी अल्लाह अकबर इमाम बुखारी इधर हाथ इमाम बुखारी की वालदा इधर हाथ उठाकर दुआ कर, कर रही है कोई इलाज नहीं कोई दवा नहीं कोई हकीम नहीं कोई पैसा खर्चा नहीं किया गया रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ किए गए रब जुलजलाल ने इमाम बुखारी की आंखों की रोशनी को वापस कर दिया ये माँ का किरदार होना चाहिए औलाद के हक हाँ में याद रख लो ये माओ का किरदार आज हमारे दरमियान से खत्म हो चला है अरे माओ के पास ही वो तखवा नहीं माओ के पास ही वो शरीयत का इल्म नहीं वो क्या खाक सिखाएंगी अपनी औलादों को सबसे पहला पॉइंट आज के इस खुद जुमा का मेरी माओ तुम तकवे परहेजगारी वाली बन जाओ तुम शरीयत का इल्म हासिल करने वाली बन जाओ आज बड़ा अजीब मामला है भाई औरतें इस्लाम की तालीमत से मसलों मसाइल से इतनी नाविफ इतनी दूर इन्हें मसले बिल्कुल नहीं मालूम ऐसे कई मसले हमारे पास आए हैं जिन्होंने शादी तो कर ली शादी हो गई निकाह हो गया लेकिन अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर दुल्हन को गुसल करने का तरीका नहीं मालूम कैसे पाक होते हैं मालूम नहीं जम्बी में सारी जिंदगी गुजार दी सालों साल है गसल करने का तरीका नहीं आता एक औरत मर्द जब रात को मिलते हैं सुबह उठकर जो गसल किया जाता है उसका तरीक़ेकार क्या होता है कैसे उसको कैसे उसका गसल का तरीका होता है माओं को नहीं मालूम है कई हमारी बहनों को नहीं मालूम है और अजीब मामला है हमारे घरों का भी भाई बड़ा अजीब मामला है ये मर्द हजरात जुम्मे में आते हैं इतवार को आते हैं सब सुनकर जाते हैं शर्म आती है घर के अंदर यह सारी बातें सुनाने को क्या तुम हल्का बनाकर बोल नहीं सकते मां इधर आओ अम्मी जान इधर आ जाइए बहन इधर आकर बैठो बीवी तुम इधर आकर बैठो खुद में जुमा सुनकर आ रहा हूं अभी अभी पूरा सुनाऊंगा बैठो वो सब सुनाऊंगा सुनो सारी मेरी बातें आज अजीब मामला है महफिलें तो लगती है हमारे घरों के अंदर जब टीवी चलता है सब मिल बैठ कर देखते हैं कोई गुनाह का काम होता है सब मिल बैठ कर देखते हैं कोई और शॉपिंग का मामला आता है पैसों का मामला आता है सब मिल बैठ कर बात करते हैं लेकिन ये क्या हो चला है इस्लामी तालीमात के हमारे पास ग्रुप नहीं लगते मीटिंगें नहीं लगती हम नहीं बैठते हमारे घरों के अंदर हमारे घर वालों को लेकर कि आओ हम मिल बैठकर इस्लाम की बात करेंगे होता है ऐसा नहीं होता इंसानों को हम मुसलमानों को हम मर्दों को शर्म आती है ऐसा करने के लिए या फिर हो सकता है कम इल्म हो इल्म हासिल कर कर उन तक इल्म पहुंचाओ नहीं पहुंचा सकते तो मस्जिदों को लाओ ऐसे इस्तेमाल में लाओ ताकि उनका इल्म हासिल हो सके गर्ज़ के ये औरतों का जो किरदार होता है बुनियादी कहाँ से शुरू होता है देखिए आप चाहे मर्द हो चाहे औरत हो वो कोक तो औरत ही की होगी जो माँ के पेट से पैदा होगी औरत ही की परवरिश होगी बाप परवरिश नहीं कर सकता बाप तरबियत नहीं कर सकता वो घर के बाहर होता है तरबियत का परवाना तरबियत कैसे शुरू होती है माँ के जरिए से शुरू होती है माँ सिखाती है उसे बोलना माँ सिखाती है उसे खाना माँ सिखाती है उसे उठना बैठना बड़ा अजीब मामला है भाई आज माए अपने बच्चों को खूबसूरत देखना चाहती है खूबसूरत लगे भाई बच्चा हमारा चाहे छोटा हो के बड़ा हो वो खूबसूरती के चक्कर में उसे कैसे 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 कपड़े पहना रही है उसे मालूम नहीं शरीयत के खिलाफ वाले कपड़े हैं छोटी बच्ची हो या बड़ी बच्ची हो स्कर्ट पहनना इस्लाम के अंदर हराम है मर्दों वाले कपड़े औरतों को पहनाना हराम है इस्लाम के अंदर चाहे वो बच्ची छोटी ही क्यों ना हो उसे जीन्स टी शर्ट नहीं पहना सकते ये तरबियत का हिस्सा है एक अगर ये बच्ची को बचपने में जीन्स टी शर्ट पहनाओगे हो बड़ी होकर भी जींस टी शर्ट पहनेगी बड़ी होकर भी वही कपड़े पहनेगी जो बचपन में आपने इसे तरबियत की है वही बड़े होकर यह तरबियत के काम करेगी ये माओ की बड़ी जिम्मेदारी है आज के हमारे माशरे के अंदर कि इनकी सबसे अवली जिम्मेदारी यह है कि अपने बच्चों की अपने बेटों की अपने बेटियों की ऐसी परवरिश ऐसी तरबियत करे जो तखवे की बुनियाद पर हो जो अल्लाह के डर की बुनियाद पर हो और खुद भी अमल करते रहें खुद भी अमल करते रहे ऐसा नहीं सिर्फ औलाद को कह रहे हैं खुद फजर में नहीं उठ रहे हैं औलाद क्यों कह रहे हैं फजर में उठने के लिए खुद नमाजे नहीं पढ़ रहे हैं औलाद क्यों कह रहे हैं फजर की नमाजें पढ़ने के लिए खुद टेलीविजन देख रहे हैं सीरियल देख रहे हैं औलाद को कह रहे हैं कि तुम टेलीविजन ना देखो याद रख लो याद रख लो ये झाड़ की मिसाल अपने जहन के अंदर ये झाड़ जमीन से निकलता है जब वो छोटा होता है जब वो नर्म होता है वो नरम झाड़ को वो नरम दरख्त को तुम कहीं पर भी मोड़ सकते हो वो मुड़ जाएगा वो किधर भी मुड़ जाएगा लेकिन वो तना मोटा हो जाएगा जब वो झाड़ बड़ा वो दरख्त बड़ा हो जाएगा जब वो सख्त हो जाएगा तो तुम उसे नहीं मोड़ सकते तुम प्यार मोहब्बत के अंदर बचपन में उन्हें सजा नहीं देते उन्हें डांट टपट नहीं करते मोहब्बत में तो जब वो बड़े हो जाएंगे तो सख्त हो जाएंगे फिर तुम्हारे से मुड़ने वाले नहीं वो वो बचपने से तरबियत करना होगा हम सब तमाम माओ बहनों को यहाँ तक के वाले को माँ बाप को दोनों को कि बच्चों की तरबियत ऐसे करें आज कह रहे हैं लोग कि बच्चे हमारे नाफरमान होते जा रहे हैं हमें झिड़कियाँ दे रहे हैं हम नहीं तो तरबियत दी ना उन्हें हमारे माहौल में थे ना हमने सिखाया ना उन्हें याद रखिए अगर आप अपने माँ बाप को झिड़केंगे तो आपकी औलादें आपको देखकर बड़े होकर आपको झिड़केंगी आप अपने मां बाप के साथ बदतमीजी करोगे घर में आपकी नन्नी मुन्नी औलादें जब देखेगी कि मेरे वालिद वालदा खुद अपने मां बाप को झिलकते हैं जब ये बड़े हो जाएंगे तो आपको झिड़केंगे अपने मां बाप को घर से बाहर निकालोगे ये नन्हे बच्चे जब देखेंगे ये बड़े हो जाएंगे ये भी बाहर निकाल देंगे गर्ज पहला पॉइंट तखवा खुद दीनदार बने अपनी औलादों को भी दीनदार बनाए दूसरा पॉइंट फसाहत और अंदाज़े बयां पर बड़ा तवज्जो दे माए आज खवातीन अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं रखती आमतौर पर खवातीन अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं रखती जिसकी वजह से होता यह है कि बड़े बड़े फसाद हो जाते हैं खानदानों के अंदर सिर्फ ये जबान की बिना पर किसी ने कुछ नहीं किया सिर्फ ज़बान से दो ऐसे जहरीले अल्फाज निकाले कि सास बहू के खिलाफ बहू सास के खिलाफ ननन भावच के खिलाफ भावच नन के खिलाफ भाई भाई के खिलाफ माँ बाप अपने औलाद के खिलाफ औलाद अपने माँ बाप के खिलाफ हो जाती है ये जबानों की वजह से ये माए बहनें अपनी जबानों का इस्तेमाल बहुत देख समझ कर करें ये जबानों का इस्तेमाल बहुत अच्छे ढंग से करें तुम्हारे जबान से जो अल्फाज निकलते हैं ये नन्ने मुन्ने बच्चे नोट करते हैं वो अल्फाज वो अल्फाजों को नोट करते हैं तुम्हारे नन्ने बच्चे तुम्हारे जो घर में हैं तुम्हारे एक एक लफ्ज पर गौर करते हैं जो तुम कहते हो वो दोहराने की कोशिश करते हैं तुम तुम्हारे घर में गालियां चलती हैं ये भी गालियां सीखेंगे तुम्हारे घर में गाने चलते हैं बड़े होकर ये भी गाने गाने वाले बनेंगे तुम्हारे घर में हदीसें चलती हैं तुम्हारे घर में अल्लाह का जिक्र चलता है तुम्हारे घर में कुरान की तिलावत चलती है तुम्हारे जबान से तिलावत निकलती है तुम्हारी जबान से हर वक्त अच्छे अल्फाज निकलते हैं ये औलादें भी वही सीखेंगी जो तुम्हारे मुंह से निकलेंगा बड़े एहतियात के साथ ये बच्चों के सामने अपनी जबानों को खोलना चाहिए क्योंकि इनके दिमाग बहुत ताज़ा होते हैं जो बात इनके कानों में जाती है इनके जहनों में पेवस्थ हो जाती है बैठ जाती है महफूज हो जाती है तो इनको वही सुनाना चाहिए जो इनके आने वाले दौर के लिए बेहतर होगा और इसके बाद तीसरा नुकता है हमारी माओ बहनों के ताल्लुक से वो अपने माशरे के अंदर बेहतर से बेहतर किरदार अदा कर सकती है हिकमत के साथ साथमत के साथ आम तौर पे एक बात वाजे है इसमें कोई शक नहीं मैं किसी की इज्जत निकालने के लिए बात नहीं कह रहा हूं मैं किसी को निचला दिखाने के लिए यह बात नहीं कह रहा हूं यह बात हदीस में अल्लाह के नबी ने बयान की है मैं आपको यह बयान कर रहा हूं अल्लाह के नबी ने कहा देखो तुम अपने घर वालों के ताल्लुक से नरमी बरतो क्या कहा अल्लाह के नबी ने अपने घर वालों के ताल्लुक से अपनी बीवियों के ताल्लुक से नरमी बरतो हुक्म है शहरों से हुक्म है नरमी का रवैया अख्तियार करो तुम क्यों अगर तुम इन पर सख्ती का रवैया अख्तियार करोगे अगर तुम इन्हें हमेशा के लिए सीधी करना चाहोगे तो तुम नहीं कर सकते अल्लाह अकबर किसने कहा अल्लाह के नबी ने अल्लाह के नबी ने कहा यह औरतों को आदम की पसली से पैदा किया गया है पसली से वो पसली जो टेढ़ी होती है वो पसली जो पैदायशी टेढ़ी होती है मैं किसी को नाम नहीं रखना चाहता मैं किसी पर नुकता चीनी नहीं करना चाहता लेकिन हर एक का अपना मिजाज होता है हर एक का एक नेचुरल मिजाज होता है अंदर का हमारा वो मिजाज की बात कर रहा हूं अगर आप ये चाहते हैं औरत ऐसी मिजाज की हो जाए जैसे मर्द की मिजाज वाली होती है तो वह नामुमकिन सी बात है उनकी मिजाज बहुत अलग होती है मुख्तलिफ होती है औरतों से उनका सोचने का तरीक़ा बहुत अलग होता है हम मर्दों से बहुत अलग होता है इसके लिए कंट्रोलर की ज़रूरत है अल्लाह ने कवाम बनाया है मर्दों को कंट्रोलर बनाया है अगर वो सीधी नहीं सीधी होती अगर वो टेढ़ी नहीं होती तो कंट्रोलिंग की जरूरत नहीं थी क़वाम बनाने की जरूरत नहीं थी अल्लाह ने आपको उन पर खबाम इसलिए बनाया है कि उनको कंट्रोल में रखने की जरूरत है अब वो कंट्रोल में रखने के लिए मर्द और, और औरत को दोनों को जो अहम चीज का इस्तेमाल करना चाहिए वो है हिकमत का इस्तेमाल यहमत यह एक ऐसी चीज है जिससे इंसानों का दिल जीता जीता जा सकता है जिससे बहुत से बहुत उलझे हुए मसलों को सुलझा दिया जा सकता है कैसे अल्लाह के नबी बैठे हैं साहबा बैठे हैं मस्जिद नबी का मामला है मस्जिद नबी पूरे मस्जिदों में ऊंचा मकाम रखती है मस्जिद वो काबतुल्ला मस्जिद और फलस्तीन में बैतुलमकदस ये तीन मस्जिदें अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में बैठे हैं एक बद्दू आया और पेशाब करना शुरू कर दिया पेशाब कर रहा है, है मस्जिद के अंदर देखिए हिकमत क्या होती है ये बताया अल्लाह के नबी ने साहबा मारने के लिए दौड़ रहे थे अल्लाह के नबी ने कहा रुक जाओ रुक जाओ उसे पूरा मुकम्मल तो कर लेने दो तो। अब अगर ये मस्जिद में आके कोई यहां पर ऐसी हरकत करेगा तो क्या करेंगे मारेंगे डांटेंगे डपटेंगे गाली गलोज करेंगे नुकसान क्या होगा देखिए आप ये बधु आया पेशाब कर रहा है साहबा मारने के लिए दौड़ रहे अल्लाह के नबी ने कहा रुक जाओ उसे कर ले दो मुकम्मल कर ले दो हिमत क्या है देखिए अगर वह बद्दू को बीच पेशाब में मारा जाता डांटा जाता तो फिर वो वहां से पेशाब करते करते भागता मस्जिद और ज्यादा गंदी होती फिर उसकी प्राइवेसी का मसला है उसके प्राइवेट पार्ट से जो लोगों को नजर आ जाते ना अल्लाह के नबी ने, ने हिमत का मुजाहरा करके बताया रुक जाओ उसे कर लेने दो तो। हाँ भाई थोड़ा पानी लाओ उस पर बहाओ वो पाक हो गया बद्दू को बोला इधर आओ बैठो देखो ये अल्लाह का घर है यहां पर ऐसी नजाजत वाला काम नहीं करते आइंदा से कहीं और जाकर करना है काम मस्जिदों में नहीं करना इमाम अहमद बिन हम्बल अपने अहमद में कहते हैं वह बद्दू ने एक बेहतरीन दुआ की इसकी बात अल्लाह अकबर देखिए देखियेमत कैसी है वह बद्दू ने कहा अल्लाह के नबी मुझे इल्म नहीं था इस मामले में मुझे मालूम नहीं था मुझे हाजत बहुत जरूरत ज्यादा महसूस हो रही थी मैंने यहां पर कर दिया इसके बाद कहा ए अल्लाह ए मुझ पर और मोहम्मद सल्लाह पर क्या दुआ की बदू ने अल्लाह मुझ पर और मोहम्मद सल्लाह पर रहमत को नाजिल कर और इतनी ज्यादा रहमत नाजिल कर के हम उसमें ढांक जाए और ए अल्लाह वो रहमत के अंदर हम दोनों के अलावा किसी और को शरीक ना करना अल्लाह अकबर यह हमत का नतीजा होता है यह हमत का रिजल्ट होता है कुछ मामला घर में हुआ आनन फानन झिड़कियां गुस्से का मिजाज बहसा मुबास तकरार इससे मामले और बिगड़ते हैं याद रख लीजिए तो मैं खुतिन से खास तौर पर गुजारिश करता हूं यह हिमत का मामला अपनाएंगे तो इनशाला इन शाह एक बेहतरीन किरदार अदा होगा आपका माशरे के अंदर हर मामले में हमत हर मामले के अंदर और इसी तरह से चौथा नुकता जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं वो चौथा नुकता है हुसन तरबियत ये हसन तरबियत के अंदर उम्मत के औरतों के साथ साथ उम्मत के वो सारे बड़े लोग भी आते हैं जिनकी निगरानी में ये औरतें होती हैं याद रख लीजिए हुसन तरबियत के अंदर ये औरतों के साथ साथ वो सारे लोग आते हैं जो औरतें जिनके कंट्रोल में होती हैं जैसे बाप बेटियों पर कंट्रोल लगता है बड़ा भाई है तो छोटी बहनों पर कंट्रोल लगता है शौहर है तो बीवी पर कंट्रोल लगता है यह हुसन तरबियत का मामला ये मिजाज ये माहौल हमारे जहनों से ख़त्म हो चला है हुसन तरबियत कैसी जहां पर भी आप अपने गरीबी लोगों को या किसी और को बुरा काम करते देखो तो आनंद फानन टोको अभी मैंने आपके सामने हदीस बयान की बद्दू आया पेशाब करने लगा वो हदीस के अंदर जो नुकता मिलता है वह यह कि बद्दू हो या कोई और हो जान पहचान वाला हो या अनजाना हो गलती कर रहा है तो आप खामोश नहीं बैठ सकते खामोश नहीं बैठ सकते आप आवाज तो उठाना है आपको हिकमत के साथ उठाना है लेकिन आवाज तो उठाना है यह हुसन तरबियत का पहली सीढ़ी है कि जहां कहीं भी आपके जानने वाले या ना जानने वाले दिखते हो आप अगर वो बुराई कर रहे हो तो उनको सबसे पहले बुराई से रोको जहां कहीं भी होता क्या है आमतौर पर हम अपने खास लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं हम अपने खास लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जब गैर कोई करता है तो बड़ी नुकताचीनी करके उन्हीं उठाकर देखो उनू कर रहे हैं देखो उनू कर रहे हैं ये रवैया नहीं होना चाहिए हुसने हुसन तरबियत का मामला तो यह है कि वह हुसन तरबियत के अंदर सबसे पहले अपने घर से हुसन तरबियत शुरू की जाए सबसे पहले अपने घर के माँ बहनों बेटियों की अपने अंडर में रहने वालों की तो हसन तरबियत की जाए क्या मामला है जनाब वाला तो आलिम है ना जनाबे वाला तो इल्म वाले हैं लेकिन आपकी बीवी है जो बेपर्दा फिरती है आप तो बड़े हाफिज़ हैं मस्जिद के इमाम हैं हमने आपकी बीवी को देखा आपकी बीवी सिर्फ शॉल ओढ़ कर जाती है ना बुरख़ा पहनती है ना चेहरा छुपाती है ये कह की दीनदारी है ये हुसन तरबियत में नहीं आता याद रख लीजिए ये हसन तरबियत में से नहीं आता ये हसन तरबियत का मिजाज और माहौल पैदा करिए अपने घरों के अंदर हर जगह पर पांचवा नुकता और आखिरी नुकता है ये बहुत अहम नुकता है आज जिस तरह से पहले तकरीर की तमीदी कलिमात में मैंने आपसे कहा कि आज खीन को इस्लामिक एक्टिविटीज से बहुत दूर कर दिया गया है बहुत दूर कर दिया गया है आज जरूरत है यह पांचवें नुकते के अंदर हमारी माए बहनें भी इस्लामी एक्टिविटीज के अंदर आगे आगे नजर आए वो भी आगे आए वो भी इज्तेम के अंदर हाथ बटाएं वो भी प्रोग्राम्स मुनद करे चाहे अपने घरों में ही क्यों ना हो वो भी इस्लामी एक्टिविटीज़ रोजाना करते रहे वो भी दावत के काम में अपना काम अंजाम देते रहे आज बड़ा अजीब मामला है भाई आज हम ये समझ रहे हैं कि औरतें हमारी खिदमत कर रही है बस वो पका के दे रही है हमारी फरमा कर रही है बच्चों को पाल रही है घर के सारे काम कर रही है काफ़ी है याद नहीं है जाता सफ़िया रसी अल्लाह अल्लाह के नबी की फूफू अल्लाह के नबी की फूफी है कौन हजरत हमजा की बहन अल्लाह अकबर अहद का मैदान है वहद का मैदान है जंग लग, चल रही है साथ में औरतों का काफिला भी है अल्लाह अकबर कहाँ की बात कर रहा हूँ भाई मैदान जंग जिहाद के मैदान की बात कर रहा हूँ मैदान जिहाद के अंदर मर्द हजरात है उनमें एक टुकड़ी औरतों की भी है जिनके अंदर अल्लाह के नबी की फूफी सफिया रजी नहां है जो अपने हाथ में पानी का मशकीजा लिए खड़ी है कि जहां कहीं जख्मी पड़ा है पानी पिलाती जहां कहीं जहा जख्मी पड़ा है जख्मों पर मरहम पट्टी करती और और ऐसी जहा बाज खातून ये कि अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद देख रहे हैं हजरत सफिया रजी अल्लाह उस पार खड़ी है इस पार उनके भाई हजरत हमजा रजी अल्लाह रजियाल्ला का मसला किया गया है उनकी पोर पोर काट कर डाल दी गई है उनका जिसम टुकड़े टुकड़े होकर पड़ा है उस तरफ वो बहन अपने साहबा को जज्बात दिला रही है कह रही है मारो मशरकों को काटो इन मशरकों को इन मुशरकों को छोड़ना नहीं इन्होंने हम पर हमला किया

को देखेगी उनका उनका उनकी हिम्मत टूट जाएगी उन्हें यहाँ ना आने दो बेटा जाकर रोकता है कहता है बेटे तू हट जा तू हट जा ये सफिया है सफैया आज ये सफा में घुस कर रहेगी अल्लाह के नबी ने, ने कहा जानती हूं मैं, मैं इल्म है मुझे मेरे भाई हमजा को शहीद कर दिया गया है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं लेकिन ए अल्लाह के नबी आपकी फूफी सफिया का जिगर इतना कमजोर नहीं कि एक भाई की मौत पर इसकी हिम्मत टूट जाए सफिया पीछे हटने वालों में से नहीं सफिया अभी भी अगले सफों में रहने वाली है अल्लाह अकबर ये सफिया रजी अल्लाह तुम ये किरदार था इस्लामी एक्टिविटीज में अभी तो अभी तो जिहाद का मामला नहीं रहा भाई अभी जिहाद का वो जंग का मामला नहीं रहा अभी अभी वो मौका ही नहीं अभी वो चांस ही नहीं है हमारे लिए कि हम जंग करें जाकर अभी तो हमारे नफ्सों से जंग करने का मामला है अभी तो हमारी नींदों से जंग करने का मामला है अभी तो यह मालो दौलत से जंग करने का मामला है अभी तो अभी तो वो मैदान जिहाद बहुत दूर है अपनी माओ बहनों को इस्लामी एक्टिविटीज़ में जोड़िएगा इस्लामी एक्टिविटीज़ में जोड़िए अपनी माओ बहनों को बीवियों को याद रख लिए जुमे के खुदबात में अगर कहीं मसाजिद में इंतज़ाम है साथ ले जाइए पर्दे का इंतजाम है तो ले जाइए और मत ले जाइए अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं जानता हैदराबाद के अंदर या कहीं और पर कोई ऐसी मस्जिद भी है जहां पर खातन का इंतजाम भी और पर्दे का एहतमाम ना हो माशाल्लाह जहां खातन का इंतजाम है वहां पर अच्छे से अच्छा पर्दे का इंतजाम है माशाल्लाह और इस मस्जिद में भी आप लोग बैठे हैं इस मस्जिद में भी खातन का इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे की पाबंदी है ना औरतों की आपको आवाज आएगी ना औरतों की आवाज आएगी ना औरतें आपको नजर आएगी माशाल्लाह पर्दे का पूरा इंतजाम है ये इस्लामी एक्टिविटीज में ये दावा सेंटर्स में ये दावत के मामले के अंदर हमारी औरतों को जोड़ने की जरूरत है आज वो क्रिश्चियन मिशनरीज अपनी औरतों मामले में इस मामले में हरितवार को छुट्टी होती है जाओ विजयनगर कॉलोनी के सरजमीन पर एड्रेस दे रहा हूं विजयनगर कॉलोनी की सरजमीन पर जाइए इस इतवार के दिन साढ़े दस बजे के बाद से लेकर पांच बजे तक जन औरतें हाथों में किताबें ले हुए पैम्फलेट्स लिए हुए पर्चे ले हुए घरों पे दस्तक दे रही है आप समझ रहे हैं कुछ प्रोडक्ट बेच रही होगी कुछ सेल्स कर रही होगी नहीं जाकर पूछिए क्या है मैम ये पूछिए उसे ये क्या है वो कहेगी देखिए हम अमन का पैगाम फैला रहे हैं हम 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 जीसस क्राइस्ट जो इस दुनिया के लिए अपनी जान को कुर्बान किए हैं हम उनके बारे में बता रहे हैं आप मुसलमान हैं ना हाँ आप ईसा आसम को मानते हैं ना हाँ हम उसी ईसा आलम की बात कर रहे हैं हमारी बात सुनो उन्होंने उनकी औरतों को वो उन्होंने उनकी औरतों को इस मामले में यहाँ तक लाया कि वो घरों पर नोक कर कर ईसा आई की दावत दे रही है ईसाइत की दावत दे रही है है। आज हमें क्या हो चला है हमारी माए बहने इस काबिल नहीं क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है क्या वो काबिलियत नहीं है उनके अंदर? क्या वो इस्लामी एक्टिविटीज में नहीं आ सकती याद रखो मेरी माओ बहनों जुड़ने की जरूरत है आने की जरूरत है मैं ये नहीं कहता मर्दों के कदम बात मिलाकर चलो नहीं नहीं तुम्हारे खदम हम बहुत ऊंचे बनाए हैं रब ने तुम्हारे कदम बहुत ऊंचे बनाए हैं तुम अगर मर्दों से कदम बा कदम मिलाकर चलोगी तो तुम्हारे कदम तो छोटे हो जाएंगे तुम्हारी इज्जत में तो कमी हो जाएगी रब ने तुम्हें मर्दों से ज्यादा इज्जत दी है तुम्हारी कदमों के नीचे जन्नत का मामला करार दिया है तुम, तुम मर्दों से कदम मिलाकर मत चलो तुम अपनी रफ्तार में चलो तुम अपने किरदार में चलो तुम अपनी सिफात में चलो तुम अपने ढंग से काम करो इस्लाम के काम के अंदर हाथ बटाओ जिस तरह साहबिया हाथ बटाया करती थी क्या मामला है कोई ऐसी औरत हैदराबाद के अंदर

किसने सिखाया निफ़ास के का तरीका? किसने सिखाया हमारे खराब हो रहे हैं यही औरतों की वजह से हमारे माशरे खराब हो है। रहे हैं जहां पर औरतों को माशरे की असलाह के लिए इस्लाम ने उभारा था आज ये शादी ब्याह की सारी रसूमा ये औरतें करती हैं सारी रसूमत मर्द बहुत कम होते हैं सारी रसूमात औरतें बच्चा पैदा हुआ सारी रसूमातरतें इंतकाल हो गया रोना नोहा करना बाल नोचना और चीखना चिल, चिल्लाना औरतों का मामला हो गया गर्ज के जो औरतें मौशरे की इसलाह के लिए बनाई गई थी आज वही माशरे को तबाह करने पर तुरी है तुम्हारी जिम्मेदारी है ये और एक अहम बात बताता हूं कोई औरत अगर सुधरती है कोई मर्द अगर सुधरता है एक अकेला अगर मर्द अगर सुधरता है अपने आप में वो इसलाह करता है तो उसकी अपनी अकेले की सलाह होती है वो लेकिन अगर कोई औरत की सलाह होती है कोई औरत सुधरती है तो वो एक औरत नहीं सुधरती बल्कि एक पूरा ख़ानदान सुधर जाता है वो अपने बाप को भी सुधार देती है वो अपने भाई को भी सुधार देती है वो अपने बेटे को भी सुधार देती है वो अपने शोहर को भी सुधार देती है वो अपने औलादों को भी सुधार देती है याद रख लीजिएगा ये किरदार होना चाहिए चंद एक अहम अहदीस जो औरतों के मुतल आज के दौर में बयान करना बड़ा जरूरी है वो लेकर आया हूं चार हदीसे सुनाऊंगा इसके बाद खुदबे को खत्म कर दूंगा हदीस इस बिना पर सुना रहा हूं कि ये औरतें जिन गुनाहों में दिन ब दिन फंसती जा रही है वो कोई छोटे मोटे गुना नहीं है आम रोजमर्रा की जिंदगी में हो रहे हैं गुना वो छोटे मोटे कामों के अंदर वो गुना हो रहे हैं लेकिन वो गुनाह की वईद बहुत है आइए मैं आपको सुनाता हूं अल्लाह अकबर हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह रिवायत करते हैं अबू दाऊद की सही हदीस है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद एक दौर ऐसा आएगा एक दौर ऐसा आएगा कि जो जो औरत अपने घर से अपने घर से खुशबू लगाकर निकलेगी क्या लगा कर निकलेगी खुशबू खुशबू का मतलब होता है अगर कोई इंसान आपके पास से गुजरे तो उसके पास से परफ्यूम की बो आती है उसके पास से अतर की बोआती है उसके पास से बॉडी स्प्रे की आती है उसके पास से कोई क्रीम की बो आती है खुशबू का लफ्ज आया है हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने कहा अबू दाऊद की हदीस अबू मूजा शारी रजी अल्लाह तलावायत करते हैं अगर कोई इस गुनाह में मुल्विस है तो अपने आप को बचाने की जरूरत है याद रख लो अल्लाह के नबी ने कहा जब तुम आंखों से कोई गंदी चीज देखते हो तो वह आँखों का गुना जिना होगा जना जना समझते ना जना अडल्ट्री जना जिना होगा आंखों से कोई गंदगी देखते हो बेहयाई देखते हो तो वो कौन सा आंखों का जिना होगा फिर अल्लाह के नबी ने कहा कोई औरत अपने घर से खुशबू लगा कर निकलती है बड़ा आम हो गया आज मसाला बॉडी स्प्रेस निकल गए हैं क्या हो गया बॉडी स्प्रे लगाएंगे तो पसीना नहीं आएगा नजरा थोड़ा समर है हम कॉलेज जा रहे हैं हम दफ्तर स्कूल जा रहे हैं लड़कियां हमारी आपकी मेरी माए बहनी की बात कर रहा हूँ मैं हमारे घर की औरत बॉडी स्प्रे इस्तेमाल कर रही है जिससे हवा में खुशबू फैलती है वो परफ्यूम लेडी परफ्यूम्स बनाए गए खासतौर पर खवातीन के अलग अतर, अलग परफ्यूम्स बनाए गए परफ्यूम्स बनाए गए खवातीन के अल्लाह के नबी ने कहा आंखों से गंदी चीज को देखना आंखों का जिना है अगर कोई शख्स अपने कोई औरत अगर कोई औरत अपने घर से खुशबू लगाकर निकलती है और कोई मजमु के पास से गुजरती है ताकि उनको खुशबू आए अल्लाक कोई औरत अपने जिसम पर खुशबू लगाकर निकलती है और कोई मजलिस के पास से गुजरती है अल्लाह के नबी ने कहा वो औरत तो ऐसी वैसी है वो औरत तो ऐसी वैसी है वो औरत तो ऐसी वैसी है वो जानिया है जानिया है जानिया है अल्लाह अकबर जिना करना है खुशबू लगाकर बाहर निकलना याद रख लीजिए कोई अगर ये सोच रहे हैं हमने तो शर्मगा का जिना नहीं किया अल्हमदिल्ला नहीं किया आपने हमने तो आंखों का जन्ना नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया हमने तो आ, हाथों का जना नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया आपने अल्लाह ने हमें महफूज रखा अल्लाह का शुक्र है लेकिन यहां पर एक छोटी गलती हो रही है कि परफ्यूम लगाकर हमारी माएँ बहनें बाहर निकल रही है आज और इसको बुरा भी नहीं समझ रही है अल्लाह के रबी ने ऐसी औरतों को जानिया कहा अल्लाह हू अकबर आइए दूसरी हदीस सुनाता हूं यह तरगीब व तरहीब में आई है अब्दुल्लाह बिन बमर रजी अल्लाह तआला अनहु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा कि कुछ दिनों के बाद एक दौर में मेरी उम्मत में चंद लोग ऐसे आ जाएंगे जिनकी औरतें कपड़े पहनने के बावजूद नंगी नजर आएंगी अल्लाह अकबर क्या मतलब हुआ कपड़े पहनने के बाद नंगी नजर आएंगी दो मतलब हुए इसके नंबर एक ऐसे कपड़े होंगे जो बारीक होंगे बारीक कपड़े अंदर का जिसम नजर आएगा अंदर का जिसम नजर आएगा दूसरी दूसरी वजह यह है कि उनके कपड़े इतने टाइट होंगे कि उनकी पूरी बॉडी एक्सपोज होगी झलक कर आएगी अल्लाह लेगिंग्स निकले ना आज लेगिंग्स हमारी माए बहनें पहनकर निकलती है ना बाहर टाइट कपड़े पहनने का बड़ा अजीब दौर चला है आज खवीन टाइट कपड़े पहन रही है कि उनकी पूरी बॉडी एक्सपोज हो रही है अल्लाह के नबी ने क्या कहा देखिए इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने कहा वो औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी नजर आएंगी और उनके सर उनके सर ऊंट की कोहान के जैसे नजर आएंगे ऊंट की कोहान होती है ना ऊपर का हिस्सा गोल ऐसा होता है वो कोहान के जैसे नजर आएंगे मतलब ये है ये जो चुटला बनाया जाता है सर पर जो चोंडा बना जाता है ना सर पर ये सर के ऊपर हिस्से पर बनना एक नया फैशन निकला है आजकल वो सर के इस ऊपरी हिस्से पर वो चोंडा बना जाता है बालों को मोड़कर, उसके ऊपर स्का्फ बना जाता है सर ऊंचा नजर आता है सर का यह हिस्सा ऊंचा नजर आता है जिस तरह से ऊंट की पीठ ऊंची नजर आती है अल्लाह के नबी ने ऐसी औरतों के ताल्लुक से कहा कि यह औरतों पर लानत है यह औरतें लानत वाली औरतें हैं अल्लाह वकब पर छोटा अमल है मेरी माओ बहनों कोई बड़ा मामला नहीं है तुम ढीले कपड़े पहनो मोटे कपड़े पहनो बारीक मत पहनो तुम ये सर पर बालों को चुटला बनाकर ऊंचा मत करो ये लानत जदा औरतों के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा और इसके अलावा इबन मसूद की एक और हदीस जो इबन खुजैमा में आई है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर होता है ना आमतौर पर लोग कहते हैं खूबसूरती के मामले में वाज तौर पर बता रहा हूँ कोई बॉलीवुड के हिरोइंस होते हैं वो खूबसूरत नजर आते हैं लोगों को मैं आप माओ बहनों से गुजारिश करना चाहूँगा अल्हदुल्ला जो हमारी घर की माएं बहने होती हैं जो घरों में होती है जो बापर्दा होती है वो बॉलीवुड की हीरोइन से लाख दर्जे खूबसूरत होती है वो बॉलीवुड की हीरोइन जो होती है कभी इंटरनेट पर उनकी तफसी चेक कर लीजिएगा कोई एक भी ऐसी हीरोइन नहीं है जिसने प्लास्टिक सर्जरी ना करवाई हो चेहरे की हर एक हीरोइन ने अपने चेहरे को बनाने की कोशिश की है वो बनावटी चेहरे है तुमने एक रुपया भी खर्चा नहीं किया है खूबसूरत दिखने के लिए माशा तुम ऐसे ही खूबसूरत हो तुम्हें जरूरत नहीं है उनको आइडियल बनाने की वो सारी जो होती है वो करोड़ों रुपया की सर्जरी करवाती है वो करोड़ों रुपया की सर्जरी कराने के बाद फिर उसका मेंटेनेंस अलग होता है कभी ये बताइए अपनी माओ बहनों को उनको बताइएगा कभी ये क्यों जो तुम फिल्म में टीवी में देखकर दिलदादा हो जाती हो उन जैसा दिखने की कोशिश करती हो वो बनावटी चेहरे हैं वो असल के चेहरे नहीं हैं वो तो बनावटी नकली चेहरे लगाते हैं ऊपर से वो लोग फिर उसका मेंटेनेंस होता है कभी मालूम कर लीजिएगा वो डायरेक्ट पानी से मुंह नहीं धो सकते वो साबुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो बड़े डॉक्टर के पास जाकर ही उन्हें फेस वॉश करवाना पड़ता है लाखों रुपए का खर्चा है उनका सिर्फ चेहरे को खूबसूरत दिखवाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माए बहनें नहीं करती है सारी चीजें इसके बावजूद रब्बे जुल्जला ने उन्हें खूबसूरत रखा है उनके पीछे मत जाओ और मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ ये जो बेपर्दा औरतें फिरती हैं मर्द हजरा उन्हें घूर घूर कर देखते हैं ना मर्द हजरात उन्हें खूबसूरत समझते हैं ना आखिर मामला क्या है आज इंशाल्लाह ये हदीस में आपको पता चलेगा आखिर ऐसे क्या है भाई अम्मा आयशा सिद्दीका पर्दा कर कर सबसे खूबसूरत थी आज की औरतें बेपर्दा होकर खूबसूरत कैसे नजर आ रही है नजर आ रही है है नहीं नजर आ रही है मेरे अल्फाज पर गौर करिएगा वो खूबसूरत है नहीं हम मर्दों की नजरों को वो खूबसूरत नजर आ रही है हकीकत में खूबसूरत नहीं है इब्ने खुजेमा की हदीस बता रहा हूं इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला नु कहते हैं अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया औरत पर्दे में रहने की चीज है औरत पर्दे में रहने की चीज है जब ये औरत अपने पर्दे से निकलकर बेपर्दा होकर आती है तो शैतान शैतान मर्दों की नजरों में ऐसी औरतों को खूबसूरत बनाकर दिखाता है अल्लाह अकबर वो खूबसूरत नहीं होती मेरे भाई शैतान तुम्हें उसे खूबसूरत कर कर दिखाता है हकीकत में जो पे पर्दा औरतें बाहर फिरती हैं ना वो नेचुरली खूबसूरत नहीं होती वो खुद दलील दे रही है इस बात की वो खुद दलील दे रही है इस बात की कि वो खूबसूरत नहीं जो औरत खूबसूरत होती है वो अपनी खूबसूरती को छुपाती है याद रख लीजिएगा उसे कॉन्फिडेंस होता है कि मैं खूबसूरत हूं मुझे नज़र लग जाएगी मैं मेरा चेहरा हर एक को नहीं दिखाऊंगी वो अपनी कीमती चीज़ को अपनी हुसन को छुपा कर रखेगी और जिन औरतों को शक होता है कि मैं खूबसूरत हूँ कि नहीं वो दिखाकर मालूम करना चाहती है मैं खूबसूरत हूँ कि नहीं और शैतान दिखाता है हमें शैतान खूबसूरत कर कर दिखाता है अल्लाह के नबी कहती है समय नहीं कह रहा शैतान मर्दों की नज़रों को लफ्ज़ है मर्दों की नज़रों को वह बेपर्दा औरत को खूबसूरत करके दिखाता है वह हकीकत में खूबसूरत नहीं होती तीन हदीसें बयान किया आखिरी हदीस अल्लाह अकबर अबुदाऊद की हदीस है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसोल्ला सल्हम ने फ़रमाया यही खुशबू के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ आज मामला खुशबू के ताल्लुक से मैं इतना फ़ोर्स इसलिए कर रहा हूँ एक दौर में या अब के दौर में अगर कोई बॉडी स्प्रे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या इस्प्रे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं परफ्यूम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अतर नहीं लगा रहे हैं लेकिन छोटी छोटी क्रीमें होती हैं पचास रुपये वाली क्रीम होती है फेयर एंड लवली वाली क्रीम वीको वाली क्रीम होती है ये क्रीम के अंदर बनाते वक्त ही इसमें खुशबू डाल दी जाती है जब आप इसको लेकर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें से खुशबू आएगी लाजिमन हां इतनी खुशबू है कि अगर आप कहीं से गुजरे तो बाजू वालों को उसको खुशबू ना आए

अगर उसमें से बाजू वालों को खुशबू आ रही है तो ऐसी खुशबू वालों के ताल्लुक से अल्लाह के नबी कहते हैं अगर कोई औरत अगर कोई औरत खुशबू लगा कर लगाकर लगा कर मस्जिद को आएगी मस्जिद को आएगी खुशबू लगा कर तो ऐसी औरत की नमाज़ कबूल नहीं होगी तब तक के वो घर वापस जाकर ऐसा गसल कर ले जैसी जनाबत की हालत में गसल किया जाता है अल्लाह वक्त नापाक होने के बाद गुसल करते हैं हम हम नापाकी की हालत में खुरान नहीं छू सकते नापाकी की हालत में नमाज़ नहीं पढ़ सकते ऐसी हालत के बारे में बताया गया है अगर कोई औरत अपने घर से खुशबू लगा कर निकलती है कहाँ आती है वो भी बाजार नहीं जनाब फंक्शन हॉल में नहीं कहीं और जगह पर नहीं मस्जिद को आती है तो इतनी बड़ी वहीद है अगर खुशबू लगाकर कहीं और जाएगी तो कितनी बड़ी वहीद होगी अल्लाह अकबर जो औरत मस्जिद को खुशबू लगा कर आती है इसकी नमाज नहीं होती यहां तक के वो घर वापस जाकर ऐसा गसुल करे से जैसे जस, जनाबत का गसल किया जाता है मेरी माओ बहनों आज का ये खुतबा खास तौर पर हमने आप लोगों के लिए इसलिए रखा था क्या जरूरत है इस बात की कि हमारी माएँ बहनें भी हमारे माशरे को बनाने के लिए खड़े हो जाए गर्ज अल्लाह तबारक वाली से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताल हमारे घर की तमाम औरतों को ऐसी सिफात वाली औरतें बना दे जैसी साहबियात की सिफात थी मौला मौला हम मर्दों को भी ऐसी सिफात वाले बना दे जैसे साहबा के सिफात थे इलामीन जो कोई भी बीमार हाल है उनकी बीमारी को दूर फरमा इलामीन जो भी परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा इलामीन हम में से जो जो इंतकाल फरमा चुके हैं उन लोगों की अगर वो तोद पर इंतकाल फरमाए हैं तो उनकी मकफिरत अता फ़रमा इलामीन हम में से जो कोई भी जिंदा है हम तमाम लोगों को जब तक जिंदा रख इस्लाम पर जिंदा रख और जब हमारी मौत आए तो इस्लाम पर आए सुबह रब्ज़्ज़्ज़्ज़्त अम्मा सिफोन वसलामसली रबाल वसलम वरम वक् मजीदमा और मुक्रीन के बयान सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जजाकल्ला